प्रदेश में मॉनसून जून के माह के अंत तक प्रवेश कर रहा है। इसे देखते हुए जयपुर जिला आपदा प्रबंधन विभाग ने आपदा को लेकर तैयारियां शुरू कर ली है। जिला आपदा प्रबंधन ने इस बार बारिश के दिनों में होने वाले हादसों से निपटने के लिए बनीपार के फायर स्टेशन में कंट्रोल रूम बनाया है। साथ ही आपदा से निपटने के लिए तीनों टीमों का गठन किया है, जिसमें एक टीम जिला कलेक्ट्रेट में बने कंट्रोल रूम में रहेगी। दो टीमों को MI रोड स्थित फायर ब्रिगेड परिसर में तैनात किया गया है, जहां सभी सिविल डिफेंस के जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसी के साथ तीनों टीमों के लिए आपदा प्रबंधन के सामान को तीन ट्रकों में शिफ्ट किया गया है, ताकि जरूरत होने पर तुरंत प्रभाव से रवाना किया जा सके। दोनों में हमारी रेस्क्यू टीम का सोशल डिस्टेंस के हिसाब से हमने क्या सभी एक जगह न रख करके दो टीमें यहाँ MI रोड के ऊपर फायर स्टेशन पर रखी गई हैं और एक टीम को कलेक्ट्रेट में रखा गया है। तीनों टीमों के पास में एक एक ट्रक और बाकी रेस्क्यू इक्विपमेंट में रख जो सामान होना चाहिए पूरा कंप्लीट इनके पास रहेगा। 24 आदमी एक टीम के अंदर रहेंगे रेस्क्यू टीम के। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर SDRF की टीम रहेगी। बाकी जो बाढ़ नियंत्रण कक्ष है वो बनीपार्क है, वो सभी सब कंट्रोल सेंटरों को आवश्यक सामग्री है।